जाती है, कानों के पर्दे फट जाते हैं, हालात कुछ इस तरह पे बनते हैं कि आदमी परेशानी के आलम में करवटें बदलता है। सारी उम्र में जहां पसीने नहीं आया, आज वहां पे पसीने आए हुए हैं, परेशानियां इस तरह है, आंखें फटी जाती हैं, सीने के अंदर पीस डालने वाली चक्की सी चल रही है। घर वाले पूछते किसी चीज को जी चाहता है तो बता, वो कहता है सांस सही नहीं आता। हालात कुछ और बन चले हैं, सारा घराना मौजूद है, करवटें बदलता है, पैरों को इकट्ठा करता है, कभी फैलाता है, परेशान है, हाय हाय की एक लौ लगी है। फरमाया कि इस आलम में यौमा या फिर रुई मरू मिन ही व उम्मी व अभी ही व साहिबती ही व बनी, अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी इस वक्त काम आने को तैयार नहीं। बेगम साहिबा की यही हालत बनी हुई है, खामिन शोहर कुछ नहीं कर सकता, घरवाले के हालात यही बने हुए हैं, घरवाली कुछ नहीं कर सकती। ये छोटे छोटे बच्चों को घसीट कर ला रहे हैं, शायद अब्बा का आखिरी वक्त हो, देख लो, मुलाकात कर लो। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इज़राइल जरा दिल की रग को छू देते हैं, पहचान खत्म हो जाती है। लोग आकर पूछते हैं बता मैं कौन हूं, उधर से कहता है मुझे इस वक्त कोई पता नहीं मैं कौन हूं, तुम कौन हो। सारा जान का किस्सा तो खत्म हो चुका है, किसकी पहचान हो और कौन किसी को पहचाने। और हालत ये बन गई, रब्बी का यौम इज़न المساق, हाथ लगा लगा करके देखते हैं, पैरों को ठंडे होने शुरू हो गए, पिंडलियों की जान निकल गई। हुजूर फरमाते हैं कभी कभी घुटनों में जान रोक दी जाती है, यहां रोक कर मजीद तकलीफ पहुंचाओ। कभी कभी पेट में रूह को रोक दिया जाता है, यहां रोक कर और तकलीफ का सबब बनाओ। हलक में आकर कांटा सा फंस जाता है। अब वो कहता है लोगों ये दुनिया मेरे लिए बदल गई, ये जान मेरे इनकलाब आ गया। हजारों के मालिक थे, करोड़ों के मालिक थे, आज लावारिस हो गए। मक्खी बैठ जाए उड़ा नहीं सकता, जिसके एक टेलीफोन से पूरे मुल्क में भगदड़ मच जाया करती थी, आज मोहताज हुआ पड़ा। एक ऑर्डर से पूरी फौज तैयारी में आ जाती थी। कमांडर साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, मौत आई मोहताज है, मक्खी बैठ जाए उड़ाने पे कादिर नहीं। अरे जान निकलती निकलती भी हालात ये बने, पैरों के अंगूठे भी दूसरा आदमी बांध रहा है, जान निकलते हुए मुंह फट गया दूसरा आदमी बंद कर रहा है, आंखें चिर गई, हाथ दूसरे आदमी ने रखकर आंखों को नीचे को दबाया। वो आंखें जो गैर महरम औरतों को देखा करती थी, वो आंखें जो रात दिन तमाशे देखा करती थी, वो आंख जो हुस्न जमाल के नजारे किया करती थी, आज उसकी पुतलियां बदल गई, आज वो फट चुकी हैं, आज वो बेनूर हो चुकी है, आज वो किसी दूसरे की मोहताज बन चुकी है। शोर ऐलान कर दिया गया, इतना करो भाई हैदराबाद वालों को भी खबर दे दो, जल्दी आ जाए, फला आदमी मर गया, लाज टेलीफोन करो, वहां से बुलवाओ, कराची के शहरियों को खुला खुला को इत्तला करो, मरने वाला मर गया, बाकी लोगों को सब ही धंधा मिल गया, तो ये काम करो, कफन तू लाना, खुशबू तुम लाना, ये करना वो करना, तैयारी हुई, ले आए उठाकर
तख्ते पे उतार लिया। आए जिस तख्ते को कभी हाथ नहीं लगाया करता था आज उस तख्ते पे लेटा हुआ है। नहलाने वाले के कंधे पे अगर कभी तख्ता देखा तो शर्म जैसी जान में हो जाया करती थी, पता नहीं ये तख्ता किसके लिए चला है। और आज तख्ते पे अपना नंबर आ गया। दो ही तो चीज है दुनिया में, एक तख्त एक तख्ता। तख्त के पीछे दुनिया फिरती है, तख्ते के लिए कोई भी तैयार नहीं। तख्ते के लिए कोई तैयार नहीं, अल्लाह मियां जबरदस्ती लाते हैं, वरना मरने को कौन तैयार है। 100 साल की उम्र गुजर जाए फिर भी कहता 2-4 साल और यूं ही रगड़ा लगाता रहो, 2-4 साल मुझे और भी मिलने चाहिए। दांत नहीं रहे, हाथ हिलने लग गए, पैरों से चला नहीं जाता। बड़े मुश्किल लोग मिलते हैं जो कभी यूं कहते कि मौलाना दुआ करो अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमाए, बल्कि यूं कहेंगे मौलाना दुआ कर दीजिए अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, 2-4 साल जरा और जिंदा रहो। इस ख्याल ये है कि मेरे बाद समोसे कौन खाएगा। बड़े मजे कर रहा, चलने से आजीज है, नमाज नहीं पढ़ी जाती और जीने की फिर भी तमन्ना है, आरज़ू है दिल में के जिंदा रहो। आया सब कुछ भुला करके अल्लाह को याद करता तो मजे आ जाते। उम्र रसीदा लोग पहले बच जाया करते थे बाद गुनाहों से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करो कराची वालों, घर घर में टीवी लगी हुई है जहां जवान औरत मर्द सब कुछ देखते हैं। बड़े मियां भी यहां पे मेरी भी कुर्सी डाल दो, मैं भी जरा वक्त गुजार लूंगा। कब्र में पांव लटक रहे हैं, अब्बा जी दादा जी क्या फरमा रहे हो, अरे मुझे भी वहीं ले जाओ अपने पास, कब्र की तैयारी करूंगा। कौन करे तैयारी? तैयारी करने वाले तो ये लोग थे। एक सहाबी ने सारी रात करवटें बदली, बेटी ने पूछा बाजान नींद नहीं आती, फरमाया बेटी जो कब्र का अजाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुन चुका उसे नींद क्यों कराए? कैसे नींद करूं? इमाम साहबी रहीमहुल्लाह ने अपनी बेटी से फरमाया बेटी तेरी आंखें खराब हो गई, चुंधिया दी है, तू अल्लाह अल्लाह सारी रात करती है, कुरान पढ़ती है, कुछ देर आराम कर लिया कर। कहने लगे अब्बा जान नींद आती है, सोने के लिए तैयारी करती हूँ, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, मान दिल में ख्याल आता है साफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। फिर नींद उखड़ जाती है। अल्लाह से डरने वालों की आंखें बेशुमार बुजुर्गों में से ऐसे मिलेंगे, आप तस्करे पढ़ पढ़ करके देखें, खुदा की कसम रो रो कर आंखों की बिनाई साया कर। तुम्हें कभी रोना नहीं आया होगा अपने आमाल को देखकर, क्यों रोए? फरमाया कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय फना हो जाएगी, न कोठी रही न बंगला न ऐवान सदर न झोपड़ी न मकान न दुकान, कोई शय नहीं रहेगी। इन समाउन शक्कत, आसमान फट पड़ेगा। इधर शमसू को बेरत, सूरज बेनूर होकर जमीन पे गिर पड़ेगा। वह इधर नुजूम का दारत, ये सितारे जो आसमान को मुजयन किए हुए हैं जमीन पे गिर पड़ेंगे। वह इधर दीवाल उसी गिरत, ये पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे। वह तकून दीवाल कल इहनिल ये पहाड़ जो सारी जमीन को के लिए रुकावट बने हुए हैं ये रेजा रेजा होकर हवा में उड़ जाएंगे। हालात ऐसे बनेंगे या अय्युहन्ना इत्तकू रब्बकुम इन ज़लज़लतस साती शय्युन अज़ीम।
ओ लोगों, डरो उस परवरदिगार से जो सारी जमीन और आसमान को तबाह बर्बाद कर देगा। हालात ये बनेंगे, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिल अम्मा अर्दात, दूध पिलाने वाली अम्मा अपने बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। वतज़ाउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। इस तरह पे मखलूकात पड़ी होगी गोया के सारी जमीन बेहोश, कलेजे फट जाएंगे, जिगर चिर जाएंगे, एक बंसरी बजेगी, शहर के लोग जंगल को निकलेंगे, जंगल वाले शहर को आएंगे, इधर से आवाज आ रही है, आवाज बढ़ती बढ़ती जानदार तमाम फना हो जाए। लोग इसको कहानी समझते हैं और जब वास्ता पड़ता है फिर यकीन आता है कि ओहो जो मैं सोचता था वो गलत निकला, लेकिन उस वक्त का सोचना काम नहीं आता, उस वक्त के सोचो विचार से बनता कुछ नहीं। अरे सोचने वाले लोग पहले बेशुमार गुजर चुके हैं, लोग आजाद को देख देख करके कहेंगे पातरा को बिजम बिहिम फसू कल एला मेरी तौबा, मैं अपने जुर्मों का इकरार करता हूं। आवाज आएगी चुप हो जा बकवास ना कर, अपने जुर्मों का इकरार करते हुए अर्ज करेंगे रब्बाना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंता खैरुर राहिमीन। सारी उम्र बदमाशी की, हराम कमाया हराम खाया, हराम देखा हराम सुना, आज बकवास करता है इक्सहु फीहा वला तुकल्लिमू। खबरदार अगर तुमने हमारे यहां साथ मारा, उधर से रोता या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहता फातरफ ना बिज़ुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील। या अल्लाह थोड़ी सी गुंजाइश कर दे, सांस तो ले लूं, मुझे तो सांस भी नहीं आती। सुम्मला यमूत फीहा वला यहया, न मौत आएगी और न जिंदगी बनेगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है जहन्नुम में एक आदमी का बदन 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा सूझ कर हो जाए। आज हम अपने दिमागों में खुदा जाने कितनी कितनी आरज़ूएं लिए हुए हैं, कितनी कितनी तमन्नाएं बसाए हुए हैं। अरे सहाबा किराम ने कमाल, अबू हुरैरा को फरमाने लगे आ मेरी साथ चल, मैं तुझे दुनिया की हकीकत दिखा के लाऊं। ले गए एक ऐसे गड़े पे जाके खड़ा कर दिया जहां आदमियों की खोपड़ियां पड़ी हुई थी। फरमाया अबू हुरैरा याद कर ले, ये वही लोग हैं जिनके सरों पे मालिश की जाया करती थी, इतर मला जाता था, मरने की देर थी। देख ले इन खोपड़ियों को आज कुत्ते घसीटे घसीटे फिर रहे, मरने की देर थी। इनके वो रेशमी लिबास हवा में उड़ते फिरते हैं जिनको तरह तरह की खुशबुओं में बसाया जाता था। आजकल भी लोग मरने वाले के कपड़ों से बड़े डरते हैं, जायदाद से नहीं डरते। अगर मरने वाले की जायदाद मिले, दुकान मिले, मकान मिले तो उससे नहीं डरते, और मरने वाले के बदन के जो कपड़े होते हैं हाथ से नहीं उठाते, लकड़ी से उठाते हैं। कभी हम मर ना जाए, जैसे मरना ही ना हो, कौन बच सकता और कौन बचेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। मदीना मुनव्वरा में बेहोशी के साथ जिंदगी गुजर रही है, कभी कभी होश में आ जाते हैं तो इशारत पर माने लगे असल्लना, क्या लोग नमाज पढ़ चुके। फरमाया कालू ला बलियं तदीरून, नहीं नहीं बल्कि जनाब का इंतजार हो रहा है।
दो सहाबा को बुलवा कर दोनों के कंधों पे रहमत वाले हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ लाए, कदम मुबारक घिसटते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, औलादा आज के बाद शायद तुम मेरी ज़ियारत न कर सकोगे। आखिरी मर्तबा बहुत मुमकिन है कि मेरी तुम्हारी मुलाकात। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसका ख्याल करना। यतीमों लावारिसों का ख्याल करना, किसी का माल हड़प नहीं करना। और फरमाया घबराना नहीं, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, मेरी तैयारी है। बीमारी मौत की अलामत है, ना मालूम अल्लाह तबारक व तआला किस वक्त बुला ले। उधर से दीन की तकमील का भी ऐलान कर दिया गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन की तकमील फरमा दी। आप वापस तशरीफ ले गए अपने उजरे मुबारक में। अल्लाहु गनी, उलमाए किराम ने लिखा है, कुतुब सीयर में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी होती थी, सहाबा किराम की जान निकलती थी, सहाबा बेहोश होकर के जमीन पर गिर रहे थे, बाप जंगलों को निकल गए। मौत के सदमे अजीम से सहाबा किराम इस कदर खाइफ होते थे कि ए अल्लाह मौत आए तो जिहाद की मौत आए, शहादत की मौत आए। सहाबा बिस्तर की मौत पे लानत भेजा करते। और अब भी अल्लाह तबारक व तआला जिन हजरात को तुम कहोगे जी तो पुराने जमाने की बातें, नहीं नहीं, अब भी हो रहा है। हमारे यहां शुजाबाद में तहरीक के जमाने में एक नौजवान को गोली लगी, शहीद हो गया, दफन कर दिया। 3.5 महीने के बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर लाखों आदमियों के सामने कब्र को उखाड़ा गया, लाखों आदमी गवाह, अखबारी नुमाइंदे थे, सरकारी आदमी थे, सिविल के लोग थे, लाखों आदमियों ने देखा। दिन के 4 बजे निकाला गया, शक्ल तो क्या, सूरत तो क्या, बाल में भी फर्क नहीं आया। 3.5 महीने के बाद नौजवान मुस्कुरा रहा था। अल्लाह की राह में मरने वालों का यह हाल बनता है, जो नोट जेब में थे उनकी राख बन गई और नसीरुद्दीन जवान मरहूम की चेहरे की रंगत भी ना बदली। मियां चन्नू में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 3rd-4th साल की बात है, उनका इंतकाल हुआ। साल के बाद जोर की बारिश हुई, सारे कब्रिस्तान में पानी चला गया, कब्र बैठ गई। दोबारा निकाला, कई घंटे तक लोगों ने ज्यारत की, दाढ़ी के, शक्ल के, लिबास के जरा बराबर भी किसी चीज में फर्क नहीं आया। वो राह चलो जिस पे ये लोग चल के गए, खुदा की कसम फिर मौत एक खेल बन जाता है, फिर मौत एक तमाशा बन जाता है इन लोगों के लिए, और ये मरने की तमन्नाएं करते थे। चुनाते इब्ने हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला और दो सहाबी दूसरे साथ हैं, बादशाह वक्त ने इन्हें परेशान किया, मैं रियासत का मालिक बना दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, कलमे का इनकार कर दो। नहीं नहीं, दो सहाबी मौजूद थे, तीसरे को देख में ढाल करके पका दिया गया, खाल जल गई, हड्डियां जलकर राख हो गई। इब्ने हुज़ाफ़ा कहते हैं जब तक दम में दम रहा बराबर कलमा पढ़ने की आवाज आती रही। हमें कलमा कैसे याद आएगा? एक हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैदान हशर में कुछ लोग जब अपनी कब्रों से उठेंगे उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी, तो लोग कहेंगे या अल्लाह ये किस उम्मत के नबी है? जवाब मिलेगा उम्मत के नबी नहीं, मेरे नबी के उम्मती है, इनकी कुरान पढ़ते मौत आई थी और कुरान करीम की तिलावत करते हुए अपनी कब्रों से उठे हैं, इसलिए इनके मुंह से ज़ाफ़रान और कस्तूरी की खुशबू आ रही। तो मैं अर्ज कर रहा था, यहां तक बात पहुंच गई कि तख्ते पे आ गए, अब लगे कपड़े उतारने के लिए, हाथ पांव मारने कपड़े उतारो। औरतें औरत के करीब आई,
उसके कान का जेवर उतारा, नाक का जेवर उतर रहा है, उधर रू आवाज देकर के कहती है, मेरी चूड़ियां तोड़ने वाली हो, मेरे कानों का जेवर निकालने वाली हो, मेरी नाक का जेवर उतारने वाला, आज मेरी चूड़ियां टूट रही हैं, कल को तुम्हारी भी इसी तरह से तोड़ दी जाएगी, आज मेरे सूट उतार रही हो, कल को तुम्हारे इसी तरह से उतरेंगे, जरा सोच के आ, मैं अकेली मेरी बारी नहीं, कुंबा कबीला छोड़ के बारी, सच्चे घर की करती यारी, ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आज मैं मेरा मरना आ गया, आज मैं चला हूं, आज मैं चली हूं, घर वालों कबीले वालों, पहले अगर बात याद ना थी तो मेरी मौत की वजह से तुम याद कर लो, इसी तरह से रुखसत हो जाओगे जैसे मैं हो गया हूं। कपड़े उतारने लगे। हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कपड़े हाथ लगाने से मैयत को तकलीफ होती है, छुरों की तरह चुभते हैं, लेकिन सादे मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम हो। कपड़े उतार लिए गए, अब गुस्ल की तैयारी है, पानी डालने लगे, नका आहिस्ता सारे काम को अंजाम दो, आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है, इसी तरह से मशगलाना बनाना, बल्कि हालत यूं ही बनती चली जाएगी, जानों पर सदमे पड़े हैं मुत्तसिल, गुस्लों के पानी को कर ले मोटा दिल, आज मेरी जुबान बंद है, आज मैं बोलने से आजीज हूं, कल को तुम सब इसी तरह से हो जाओगे, ठंडे गरम का खुद ख्याल करो, मैंने बोलना नहीं, मेरी कुदरत खत्म है, वरना मैं वो वकील था, कभी किसी को बोलने नहीं दिया, मैं वो मजिस्ट्रेट था, कभी किसी को चू नहीं करने दी, एकाश आज मेरी जुबान को वो ताला लगा कि कयामत से पहले खुलने वाला है ही, अंजाम मेरा देखो और अपनी तैयारी करो। कहता है कि मैंने झेल ली है मुसीबत बेशुमार, हाल हाल जिस्म से कपड़े उतार, तेरे हाथ मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और ना मालूम कब्र में अगली मंजिल बाकी है, वहां मेरा क्या बनेगा। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज बाज को इस तरह का अजाब होगा कि दाई पसली बाई के अंदर से गुजर जाएगी, बाई पसली दाई तरफ को निकल जाएगी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां डाल डाल कर सहाबा इकराम को दिखलाया और फरमाया कि एक सांप ऐसा मुसल्लक कर दिया जाएगा जो सर से लेकर पैरों तक ही और पैरों से लेकर सर तक हमेशा डसता ही चला जाएगा। अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया, उस सांप की जुबान होगी, वो हाय हाय करेगा, वो बोलकर कहेगा, वो दिन याद कर, हैया अलस्सलाह हैया अलफलाह, आवाज आया करती थी, तू वहीं बैठा रेडियो बजाया करता था, अब मेरी ड्यूटी है कयामत तक तुझे यूं ही डसता रहूंगा। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कब्र का अजाब दिखा दूं तो मुर्दों को दफन करना छोड़ दो, मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। सहाबी है मदीनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू अय्यूब अंसारी, सारे कैद रज़ियल्लाहु तआला, फरमाते मगरिब की नमाज के बाद हुजूर मदीने पाक से बाहर तशरीफ ले चले, मैं भी पीछे हो लिया। काफी दूर जब निकल गए तो एक चीखो पुकार की आवाज आई, भयानक किस्म। हुजूर ने मुझसे पूछा, अबू अय्यूब आवाज सुनी? मैंने अर्ज किया, हां या रसूलल्लाह सुनी। फरमाया, यहूद के कब्रिस्तान की आवाज है, मुर्दों की पिटाई हो रही है, उनके चीखो पुकार की आवाज। अबू अय्यूब फरमाते हैं, इस कदर भयानक आवाज थी मेरा कलेजा फट गया। क्या ख्याल है, ये जो कब्रों में हम अपने छोटे बड़ों को पहुंचा के आते हैं, वहां के बाग बने हुए हैं, लाखों मन मिट्टी के नीचे क्या बनती है, वो जाने और उसका खुदा जाने।
लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ तैयारी का प्रोग्राम बड़ा मुश्किल है। कभी नहीं रात को उठ के रोने के कि अल्लाह गुनाह तो मुझसे हो गए, जुर्म तो मुझसे हो गए, पर तू तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, मुझे यहां माफ कर। अगर यहां पे आज निरोध हो ले तो बड़ा कुछ है। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नुम की आग को आंखों का पानी बुझाता है, सिर्फ कोई शय और नहीं बुझा सकती। फरमाया जब पानी डालने लगते हैं कि गर्म ठंडा ना करना, ख्याल कर लेना, उधर हाथ फेरने लगा मलने के लिए, आवाज आती है कि ओ लोगो देख करके मेरे जिस्म पे हाथ फेरो, मैं बड़े बड़े सदमे अजीम बर्दाश्त करके आया हूँ, बड़ी तलख घाटियों से गुजर के आया हूँ, मेरी रग रग तोड़ दी गई, मेरी जान का कीमा बना दिया गया। कहता जिस तरह मलते गोरे को ना मल, जोर से तू पक्के फोड़े कोना मल, पक्का फोड़ा भी मेरी जान के मुकाबले में क्या दुखेगा, मेरी रग रग टूट गई, मेरे मुंह में तलखी आज तक मौजूद है। हदीस पाक में आता है मौत की तलखी हजारों साल तक मुंह में मौजूद रहती है। कफन में डाल लिया गया, आ भाई आखिरी दीदार के लिए आ जाओ, सबके सब घर वाले भी, कबीले खानदान वाले भी, रिश्तेदार भी आओ, जिसने मुंह देखना हो आज के बाद ये शक्ल नजर न आएगी, हजारों इनको देखेंगे, हजारों इन्हें देखेंगे, मगर ये सूरत आज के बाद कतन नजर न आएगी। है कौन लोग? फरमाया वो है जो कहते थे बमार यू कदी बोबी ही इल्ला कुल्लू मोता दिन नसीम इदा तुतला अलैही आयातुना कौल असातीरुल अव्वलीन। जो कहते थे नबी का फरमान, अल्लाह का कुरान अफसाना है, कहानियां है, किस्से हैं खड़े हुए और कुछ, आज हकीकत बनकर सामने आ गया। मुंह देख रहे हैं, कफन में तैयारी है, अम्मी जान चल बसी, अब्बा जान चल बसे, छोटे छोटे बच्चों को कबीले की औरतें कहती हैं, देखो तुम्हारी मां का आखिरी मर्तबा मुंह देख लो, अम्मी जान जा रही है। छोटी बच्ची से पूछा ये क्या बना, कहने लगी औरतें कहती है मेरी अम्मी जान फौत हो गई है। अरे आज के बाद ये सारे मासूम रोया तो करेंगे, हजारों को मिलेंगे, देखेंगे, लोगों के रहम करम पे रहेंगे, पर सारी उम्र के लिए मां की ममता से महरूम हो गए। तो अर्ज कर रहा था कि मौत ऐसी मुत्तफिका मसला है जिसके बगैर किसी का चारा नहीं, कोई मकर नहीं, मौत जो आया दुनिया में वो लाजमी जाएगा, मगर जो ईमान के साथ गया वो कामयाब है, और जो ईमान से रह गया वो तबाह बर्बाद हो जाए। आज से पहले जितने लोग दुनिया से गए, न मालूम किस किस हाल में कोई गया है, खुदाबंद आलम से दुआ भी करनी है अल्लाह पाक हर मुसलमान का अंजाम बखैर फरमाए। इंशाअल्लाह कल भी मेरी ड्यूटी है, आज उन्होंने ये मौत का अनुमान बतलाया था, कल को जुमे इंशाअल्लाह शेर शाह कॉलोनी मस्जिद तूर में पढ़ाऊंगा, और वही नमाज से पहले कुछ बयान होगा जो उस तरफ के लोगों को तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए सब साथी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व सहाबी बरकतिल किराम। या अल्लाह तमाम मुसलमानों का अंजाम बखैर फरमा, या अल्लाह हम सब का खात्मा अल ईमान फरमा, या अल्लाह ये लोग इतना बड़ा ये प्रोग्राम बनाते हैं, दूर दूर से उलामा को बुलाते हैं, इनके सबके जान माल बरकत अता फरमा, इनकी ईसाई को इस कारोबार इस दौर धूप पर अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमा, या अल्लाह हर मुसलमान को मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा, जितने मुसलमान कराची के पाकिस्तान के अब से पहले दुनिया से रुख्सत हो गए, या अल्लाह